इसकी डिजाइन काफी अच्छी है, अच्छी है, वजन उठता है, मौका दिखता है, ज्यादा है। लेकिन गोल्ड का रेट क्या है अभी? 285। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ मदीना में थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। पकी हुई चाय है ना, ये पाउडर वाली चाय नहीं है। कैसी लग रही है चाय डैडी? गेट 329 के बाहर सब गोल्ड एरिया है, यहाँ भी शॉपिंग वगैरह है, बट यहाँ पे ज्यादा गोल्ड के स्टोर्स है। ये है गेट 330 के पास, काफी ज्यादा गोल्ड स्टोर्स है, अब देख सकते हो कितना रश है यहाँ पे। ये पूरी लाइन से एक्चुअली काफी सारे स्टोर्स है। अच्छी है ये मम्मी, ऐसी दो ले सकते हो, ऐसे दो ले सकते हो, देखो ये अच्छा दिख रहा है। साइज बराबर नहीं है तो कोई बोल दो सेम साइज। गेट 330 के पास एक्चुअली काफी सारे गोल्ड स्टोर्स है, तो हम देख रहे हैं कहाँ पर क्या रेट है और कौन सी डिजाइन मेरी मॉम को पसंद आती है। इसकी डिजाइन काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, डिजाइन अच्छी है, ऊपर कर कर इंजी की पेन ना फ्रेक पर ना ले, रोज पैरन में कुछ नए आएंगे। 40 ग्राम हड्डी तोला, 2 तोला 14 हड्डी तोला कुछ ये तकरीबन 9800 रियाल। गोल्ड का रेट क्या है अभी? 285 ग्राम। 285 ग्राम ये तो कितना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। दिखाओ, रोज जाना है, वजन उठता है, मौका दिखता है। लेकिन पहन के तो देखो अच्छा लगेगा। इनके ये मिक्स गोल्ड के बैंगल्स मुझे काफी प्यारे लगे, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा था इनका। ऑल्सो बैंगल्स एंड कड़ों का कलेक्शन इन दुकानों में काफी अच्छा देखने मिला। तो अभी हमने 2-3 जगह पे गोल्ड के रेट्स निकाले। 21 कैरेट का वो लोग चार्ज कर रहे हैं 64,000 रुपीस में अगर देखा जाए तो, और इंडिया में अगर मैं चेक करी तो 54,000 है, 10,000 का फर्क है। बट ये लोग बोल रहे हैं कि इसका एग्जैक्टली 21 कैरेट है, और इंडिया में 21 गोल्ड के यूजुअली वो 18 कैरेट दे देते हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। मेकिंग चार्जेस है, वैट चार्जेस है, वो सब मिला के कुछ 10-15,000 एक्स्ट्रा लग जाता है उसके ऊपर, तो इसीलिए थिंग्स आर अ बिट एक्सपेंसिव। बट गोल्ड की क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही थी, और हमने एक चीज जो उनके यहाँ देखी वही चीज हमने दूसरी जगह भी चेक की, एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक चीज का वेट कम था और दूसरी जगह पे उसी चीज का वेट वो ज्यादा बता रहा था। तो मुझे नहीं समझा कि ऐसा क्यों था, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम साइज की चूड़ियां थी एंड सेम डिजाइन था, बट एक जगह पे 2.8 वेट था, दूसरी जगह पे 3.1 था, एंड एक जगह पे वो 9,000 मांग रहा था, एक जगह पे 10,000 कर दिया उसने प्राइस। हमने लिया नहीं, हम जस्ट प्राइस निकाल रहे थे देखने के लिए कि डज इट मेक सेंस टू बाय गोल्ड फ्रॉम प्योर और नॉट। दूसरी चीज है यहाँ पे वैट रिफंड, ऑनलाइन तो बोल रहे हैं कि वी कैन डू वैट रिफंड, बट इनको हमने पूछा तो इन्होंने बोला इनको पता नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं। सो ये उस दुकान का कार्ड है जहाँ पे हमने चेक किया। एक्चुअली इसके बाजू में एक और दुकान थी जिसके यहाँ पे प्राइस ज्यादा बता रहा था सेम चीज का, एंड ये जो दुकान थी यहाँ पे वो जो बंदा था वो काफी अच्छा था, उससे थोड़ा बार्गेन करते तो शायद वो हमें दे भी देता। ऑल्सो एक दूसरी चीज है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो 2.5% चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड पर, तो अगर आपको वो चार्ज नहीं भरना है तो आपको पहले ही बता देना है उन्हें, या उनसे बात कर लेनी है कि हम जो है वो चार्ज नहीं भरेंगे, जो आपको बार्गेन कर लेना, नहीं तो फिर वो आपको अलग से 200-300 रियाल ऐड हो जाएगा आपके टोटल अमाउंट पर, और क्योंकि वैट रिफंड भी नहीं आने वाला है तो इट डजंट काइंड ऑफ मेक सेंस टू बाय फ्रॉम योर। दुबई से लेना बेटर आइडिया है, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे आपको वैट रिफंड आता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली। सो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में ऐसा अंडरग्राउंड मार्केट है, जो लोअर लेवल पे काफी सारी दुकान है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, एंड यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सस्ती मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है अंडरग्राउंड, तो अभी हम वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने ये दो मुसल्ले लिए, इन पे अभी दोनों पे नाम लिखवाएंगे, इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन है मुसल्लों का। और ये हमें यहाँ पे मिले हैं 8 रियाल के, और मैंने मक्का में लिए थे 9 के, तो यहाँ पे हमें 1 रियाल सस्ता मिला। और कुछ लोग बोल रहे थे उन्होंने 7 के भी लिए हैं, अगर हम ज्यादा बार्गेन करते तो 7 में दे देता, बट इन्होंने मना किया, शायद किसी और दुकान पे जाके देखना पड़ता 7 के लिए, बट हमने 8 में ले लिए।
ये सब चॉकलेट जो है 15 रियाल किलो है एंड दे आर मेड इन टर्की। अच्छा अच्छा ना, हाँ 20 रियाल के। अच्छा खराब नहीं होगा ना, बुरा आएगा। ये 20 रियाल का चब्बा है बट कपड़ा इतना कुछ खास नहीं है इसका। ये फिटिंग में होते हैं, हाँ ये वाला जो है ना, बट वो फिटिंग में है, इसके साइज लूज नहीं है वो। ये पचास में नहीं आएगा। और मदीना मुसल्ला कितने का? फाइनल रेट 40 रियाल, उससे जो कम वाला 35 रियाल। जुम्मा के दिन पहनने के लिए फिर हम जुब्बा लेने आ गए और ये दुकान वाले भाई काफी अच्छे थे, इन्होंने सब अच्छे से हमें दिखाया और हमने 2 जुब्बे लिए इनसे। अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। तो अभी हमने बस 2-3 जगह पर गोल्ड के प्राइजेस निकाले एंड यहाँ पे 21 कैरेट का ये लोग 64,000 बोल रहे हैं एंड 21 कैरेट का इंडिया में यू डिजर्व इट, इसको बिल्ली ने मारा।